नमस्कार दोस्तों, ऑटो होस्ट नाइन के इस चैनल पर स्वागत है गाइस। और आज आपके लिए वीडियो लिख के आया हूँ किया की सोरेंटो, जो इंडियन मार्केट में काफ़ी लंबे समय से हर लोग उसकी वेट कर रहे हैं। और ये कार आपको काफ़ी प्रीमियम एसयूवी होगी जो इंडियन मार्केट में किया मोटर्स के द्वारा लॉन्च की जाएगी। और आप लोग जानते ही है कि किया सेल्टोस काफ़ी सक्सेसफुल रही है इंडियन मार्केट में। और किया सेल्टोस काफ़ी सक्सेसफुल होने के बावजूद किया मोटर्स ने अपनी इस कार को लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। तो आज हम बात करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस, उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और उसमें आपको कितने फीचर्स मिलेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हम इस वीडियो की लाइक का टारगेट रखते हैं सिर्फ 500 लाइक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब मैंने किया ऐसे कर लीजिए और हमारा वीडियो को लाइक करिए पसंद आइए। तो बात करते हैं उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो इस कार को एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में 25 लाख रुपीज से 30 लाख रुपीज तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। और उसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट इंडिया में शेड्यूल किया गया है 2020 तक। और इस कार में आपको इंजन पावर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया आपको इंजन पावर मिलेगा, जैसे कि आपको 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन, जिसमें आपको 14.2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी कि इस कार में आपको हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल जाएगी। और इसका आपको बैटरी पे काफ़ी अच्छा मिलेगा, दोनों को आप कंबाइन होकर पावर ट्रेन आपको मिलेगा 225 bhp एंड मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा 225 bhp एंड टॉर्क आपको मिलेगा 350 Nm का, जो काफ़ी अद्भुत है। अगर आप इस गाड़ी को उसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इसमें आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैंने बताया जैसे कि इस कार में आपको 1.62 लीटर के बनने के बावजूद भी इसमें आपको 2.2 लीटर का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको डीजल इंजन मिलेगा। और इसमें आपको प्रीवियस मॉडल में जो आपको यूज़ किया था उसी हिसाब से आपको ये मिलेगा। और इसमें आपको 195 bhp एंड 44 Nm टॉर्क आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। 8-speed dual clutch क्लॉच ट्रांसमिशन एंड तीसरा इंजन मिलेगा 2.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 273 bhp मैक्सिमम पावर एंड 421 Nm का टॉर्क, जिसमें आपको 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा। टेस्ट पर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स तो आपको जानते ही है कि अपकमिंग किया सेरेंटो में आपको फॉरवर्ड कॉलिशन मिलेगा, एडवांस एसिस्ट ब्लाइंड स्पॉट आपको मिलेगा, मिरर सराउंड व्यू मिलेगा, मॉनिटर ब्लाइंड स्पॉट कॉलिशन के साथ साथ आपको एडवांस एसिस्ट स्टॉप फंक्शन एंड अमंग द अदर फीचर्स भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स में बात करें तो उसमें आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा, ABS मिलेगा, EBD मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये हुई थी बेस वेरिएंट, और या फिर उसके टॉप एंड वेरिएंट लॉक खरीदते हो तो आपको ये फीचर्स मिलने ही मिलने हैं। अगर मैं उसकी डायमेंशन की बात करूँ तो लेंथ में आपको मिलेगी 4780 mm, विड्थ मिलेगी 1890 mm और हाइट आपको मिलेगी 1890 mm। अगर हम दूसरी SUV यानी कि इस सेगमेंट में आने वाली इसकी कंप्यूटर से कंपेरिजन करें तो इस गाड़ी में आपको सबसे ज़्यादा हाइट मिलेगी, उसकी जो व्हील बेस होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि व्हील बेस काफ़ी अच्छा मिलने की वजह से इस कार को आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी जा सकते हो। तो आगे अगर आने वाले दिनों में एक अच्छी सी SUV गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपके लिए किया सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किया सेल्टोस की सर्विस है, उसकी जो प्राइस है उसमें आपको मिलने वाले फीचर्स है काफ़ी हाईटेक है और ये मल्टीनेशनल ब्रांड है। तो उसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड में जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो सारी आपको टेक्नोलॉजी इस कार में देखने को मिलेगी। तो होप टू गाइस, अगर आपको ये वीडियो में इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा गाइस, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही ऑटोमोटिव न्यूज़ पाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।